टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक इन फिजिक्स हीट चैप्टर 4 पार्ट 1 इन द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी ए साइंटिस्ट आल्सो नो दैट इट हीट इज अ फॉर्म ऑफ ए लिक्विड इट इज आल्सो नोन एज द कैलोरीज एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी टू साइंटिस्ट कम्स Rumford and James Prescott also discovered the heat. He said that heat is a form of energy and it is known as the thermal energy. इसको दो वैज्ञानिकों ने Rumford और James Prescott ने बताया कि हीट जो होता है एक ऊर्जा के रूप में होता है और इसे थर्मल एनर्जी के रूप में भी जानते हैं तो हीट हैज ए डिफरेंट फॉर्म लाइक एज व्हेन द सनलाइट फॉल ऑन द प्लांट लीव इट आल्सो कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी व्हेन द टू हैंड्स palms are also rubbed to each other mechanical energy convert into heat energy and became heat and when fuels are also added in car or diesel tank it also convert chemical energy convert into the mechanical energy so these are the form of the heat and This example, this definition is also explained by some activity. When heat a vessel put on a burning stove, then we also apply heat on a ice. The ice convert into water because it also gain hotness. Means when the temperature increase, the kinetic energy also increase and it get energy. Then the ice convert into water. And next step, when heat is applied on the water, it also convert into a steam vapor or gaseous state. So it is also conclude that heat is a form of energy when the object or body also gain heat it becomes hot when it loses the energy or heat then it will become in coldness next is second point heat is a form of energy when transferred from a hot object to a cold object दूसरी लैंग्वेज में इसे बताया गया कि हीट जो होते ऊर्जा के रूप में होते हैं जो एक हॉट ऑब्जेक्ट से दूसरे कोल्ड बॉडी की ओर मूवमेंट होता बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एक्सप्लेनेशन है ये वी टेक ए हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट हम लोग एक क्या करेंगे हॉट ऑब्जेक्ट को और कोल्ड ऑब्जेक्ट को एक अपने संपर्क में रखेंगे The hot body cools down and cold body warms up. जो hot body हमारा था वो ठंडा हो जाता है और cold body जो है वो गर्म हो जाता है Why? What is the reason? This means that heat had transferred from the hot object to the cold object. इसका मतलब हुआ कि heat जो था उस object से transferred किया cold object में जिसके कारण हॉट ऑब्जेक्ट जो थे वो कूल हुए और कोल्ड ऑब्जेक्ट सा जिसने हीट को एब्जॉर्ब किया हीट को गेन किया इसलिए कोल्ड ऑब्जेक्ट जो थे वो हमारा हॉट हो गया सो इट हैज प्रूव्ड दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं टेम्परेचर तापक्रम क्या है Temperature is defined as the degree of hotness or coldness of a given body or an environment. Temperature को हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं
कि ये डिग्री के रूप में इनको रिप्रेजेंट किया जाता हॉटनेस को और कोल्डनेस को। एक दिए हुए कोई ऑब्जेक्ट होगा या वस्तु होगा या इन्वायरमेंट में इनको डिग्री के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता। नोट में मैंने लिखा यहां पर द टर्म हीट एंड टेम्परेचर आर क्लोजली रिलेटेड बट डोंट मीन्स द सेम। हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से काफी नजदीक नजदीक लगते हैं लेकिन इनके समान अर्थ नहीं होते हैं। सो हियर डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर है इसको देखते हैं। हीट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सेकेंड है हीट कॉजेज ए चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। हीट के प्रभाव के कारण किसी बॉडी के तापक्रम में परिवर्तन होता है। थर्ड इट इज मेजर्ड एसआई यूनिट ऑफ हीट इन जूल और कैलोरी। इसको मेजर जूल और कैलोरी के रूप में किया जाता है। टेम्परेचर में हम लोग देखते हैं पॉइंट को इट इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट को और बॉडी को हॉट या कोल्ड जो होती हैं उनको हम लोग डिग्री के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इट इज द इफेक्ट ऑफ हीट। इसका हीट का इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर में जब हॉटनेस होते हैं और कोल्डनेस होते हैं। तो इट इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट और केल्विन। इनको हम लोग डिग्री सेल्सियस के रूप में या डिग्री फारेनहाइट के रूप में और केल्विन के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब थर्मोमीटर नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। थर्मोमीटर क्या है। थर्मोमीटर इज मेड ऑफ टू वर्ड। थर्मो मीन्स हीट मीटर मीन्स मेजरमेंट एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस व्हिच यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। एक ऐसा यंत्र या एक ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी के टेम्परेचर को मेजर्ड किया जाता है जिसे हम लोग थर्मामीटर के रूप में जानते हैं। अब यहां पर नोट में मैंने लिखा है कि ऑन सेल्सियस स्केल में क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट में है नोट करने लायक है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जमने का क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। और ऑन फारेनहाइट स्केल में द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फारेनहाइट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फारेनहाइट। ऑन केल्विन स्केल में हम लोग आते हैं तो लिखते हैं 0 डिग्री केल्विन = -273 डिग्री केल्विन और इसका वैल्यू होता -459.67 डिग्री फारेनहाइट। और इसी को अगर हम लोग 100 डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में तो 100 + -273 को जोड़ेंगे तो हमारा 373 डिग्री सेल्सियस होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।